80 रेवोल्यूशन, मेरा नाम है अतुल। सो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का ये है डे 5 और आज हम करेंगे बैक एंड बाइसेप। बाइसेप लोगों का काफी फेवरेट मसल है, मेरा भी है, क्योंकि दिखाने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, अच्छी फील होती है यहाँ पे। तो देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। चलिए आप मेरे साथ चलिए। सो गाइस, आज हमें 3 सुपर सेट लेने हैं। उन 3 सुपर सेट में हमें 5 सेट लेने हैं और वो 6 से 8 रैप निकालने हैं हैवी, और 2 से 3 मिनट तक का रेस्ट लेना है। गाइस, हमारा आज का पहला सुपर सेट है चिन अप एंड बाइसेप केबल कर्ल। सो चिन अप्स में आप इजीली 10 to 15 रैप्स निकाल सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्ट्रेंथ कम है और आप वेट नहीं निकाल पा रहे हैं अपना, तो कोई बात नहीं, आप पे जितने जा रहे हैं आप फेलियर तक करिए, बट इस एक्सरसाइज को करिए, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये। तो गाइस, ये है केबल कर्ल। केबल कर्ल में आपको हैवी वेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हैवी वेट आप तब लगाइए जब आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ऐसा नहीं कि सामने वाला बंदा अगर हैवी उठा रहा है तो आप भी उठाएंगे, ईगो लिफ्टिंग नहीं चल रही है यहाँ पे। ईगो को अपना साइड में रखिए, क्योंकि इंजरी से भी बचना है आपको। अपनी एल्बो को इस सेट में कॉन्स्टेंट रखिए और बॉडी को बिल्कुल भी जर्क नहीं करिए, तभी आपका वो बाइसेप में जो पंप आता है वो आपको फील होगा। सो गाइस, ये है हमारा सेकंड सुपर सेट, सीटेड रो एंड कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। सो सीटेड रो में आप बैक बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं, अपनी बैक को ज्यादा बेंट नहीं करें, बॉडी अपनी कॉन्स्टेंट रखें, और कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है इसमें। आप देखिए, पीछे ला रहा हूँ तो मैं स्क्वीज कर रहा हूँ प्रॉपर, और सामने ले जाके प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन फील कर रहा हूँ, तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेंट्रेशन कर्ल में आपको ज़्यादा हैवी वेट की ज़रूरत नहीं है, लाइट वेट रखिए। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि मसल पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना। तो बाइसेप बहुत अच्छा मसल है, इसको प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन के साथ और स्क्वीज करके अगर आप फील करेंगे तो ये बहुत अच्छा पंप देगा आपको। तो गाइज, ये है हमारा आज का लास्ट सुपर सेट, डंबल पुल ओवर एंड हाई एंगल केबल कर्ल। डंबल पुल ओवर में आपको ज़्यादा नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये चेस्ट पे आके आपको फील होना चाहिए, जो इनर चेस्ट है इस पर आपको फील होना चाहिए कि हाँ आप स्क्वीज कर रहे हो उसको। ये जो चेस्ट के पैक्स के पास जो ऑब्लिक्स होते हैं, ये उस मसल को भी ट्रेन करता है। लोग इसे चेस्ट के साथ भी ट्रेन करते हैं और बैक वाले दिन भी कभी कभी ट्रेन करते हैं, तो इसे हम ले रहे हैं बैक के साथ। तो इसको ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाएं और एकदम ऊपर नहीं लेके जाएं। अपने हाथों को, एल्बो को लॉक नहीं करें और इसमें थोड़ा सा बेंड रखें अपनी एल्बो में। गाइस, ये है हमारा हाई एंगल केबल कर्ल। ये एक कॉन्सेंट्रेशन एक्सरसाइज है बाइसेप के लिए, तो इसमें भी आपको अगेन हैवी वेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो लोग हैवी वेट नॉर्मली लगा लेते हैं, फिर वो बॉडी हिला रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं, झूला सा झूल रहे हैं, तो मतलब नहीं है कुछ उसको करने का। इसमें लाइट वेट ही रखिए और प्रॉपरली उसको स्क्वीज करिए बाइसेप को। जब तक आप प्रॉपरली माइंड मसल कनेक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन के साथ उसको नहीं करेंगे, तब तक वो आपके पंप कभी नहीं आएगा। आप ट्राई कर लीजिए। तो इस एक्सरसाइज के आप 4 सेट परफॉर्म करिए और ये था आज का वर्कआउट। इसके बाद आप 20 मिनट्स कार्डियो कर सकते हैं। तो कार्डियो में आप, अगेन मैंने आपको बताया था कि स्टेशनरी बाइक, इलेप्टिकल या ट्रेडमिल, इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो गाइस, अब जाके रेवोल्यूशन दिखा दो, इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नई किसी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।
है।